इसमें तो जी कल रात में आके था पट वगैरह लेके, और बहुत गहरी नींद थी मेरी। मैंने हल्का सा क्लिप आपको शुरू में दिखा दूंगा। तो ना बड़ी मुश्किल से मैं ना रात के कर नहीं सका, तो सुबह 6 बजे मैंने आप लोगों का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा। तो जी शुरू करते हैं ब्लॉग, चले 1 2 3 स्टार्ट। तो सरप्राइज मैं गाइस इस वक्त तैयार हो चुका हूँ। आप अब बस मैं चाबी ले सकते अभी जा रहे हैं। हाँ सरप्राइज मैं इस वक्त तैयार हो चुका हूँ। दादा वो थोड़ी बहुत वर्कशिप कर रहा था, तो अभी दादा को मुझे छोड़ के आना है और फिर घर आना, और एक दो काम है, और फिर मिलते हैं नमाज के वक्त या नमाज के बाद। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। इन्हें मनाने का तरीका भी वही होना चाहिए जो इस्लाम ने हमें अता किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए, तो गाइस यहाँ पे जी एक और रोल पड़ गया, हमारा ही कसाई अभी तक नहीं आया। और जब मैं दोस्त के घर देखने आया तो उसका ही कसाई जी अभी तक पता नहीं किधर बैठ गया, और किस चौक पे खड़ा और किस चौक का उतार। तो ज़रा थोड़े से मस्से चलेंगे। दूसरा मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ना यूट्यूब के कुछ व्यूज़ हैं कि उनने कहा है कि ना मतलब के कुर्बानी का जानवर मतलब कि जो होता है ना जिबा खून वगैरह उसके दिखा नहीं सकते गर्दन काटते हैं। तो मैं आपको वो सीन दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको बांधते हुए पूरा दिखा दूंगा उसका। तो जब तक सही आ रहा तब तक ज़रा वेट कर लीजिए। तो जी हम तक नाश्ते हो रहे हैं और मदर चार के लिए अचानक क्योंकि हमें कोच पसंद नहीं है और हम लोग पूरी रात से उठे हैं। तो जी क्या करते रहे एंजॉय और क्रीम सोडा, मैं थोड़ा एंजॉय कर लो बाद में मिलता हूँ, तब तक जरा वेट कर लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट ये है कि जी हम लोग का निकलने का ट्रिप, और जी इस वक्त टाइम हो रहा है 6:21 और बस फिर थोड़ी देर में ट्रिप के लिए निकलेंगे और मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ट्रिप का दिखाऊंगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक चले शू शू अल्लाह हाफिज। तो इस व्लॉग में ये कहना चाहता हूँ कि जो है ये व्लॉग बहुत छोटा था, तो जो ट्रिप वाला व्लॉग होगा मैं आप लोगों के लिए ज़रा 20 मिनट्स या 22 मिनट्स का बना लूँगा। इस व्लॉग के लिए माजूर क्योंकि थोड़ा छोटा व्लॉग है, इतना टाइम भी नहीं मिला मुझे इसके पार्ट बनाने का। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।